कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में मात्र 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का विस्फोटक आंकड़ा सामने आया है। एक पुलिसकर्मी सहित 30 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। पुलिसकर्मी लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात था, जिसके बाद पुलिसकर्मी के पूरे परिवार को आइसोलेट किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मी की हिस्ट्री निकाली जा रही है। इस दौरान कितने लोगों से मुलाकात की है और कहां से जवान संक्रमित हुआ, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काम शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट नागौरी गेट, उदय मंदिर और आसन में डोर टू डोर रैंडम सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही सैंपल अधिक से अधिक लिए जा रहे हैं। आज 13 अप्रैल को जोधपुर में कोविड-19 के टोटल 81 केस पॉजिटिव हो गए हैं। इन 81 में से ज़्यादातर जो हमारा हॉटस्पॉट है नागौरी गेट, उदय मंदिर, आसन, इसके आसपास का एरिया, यहाँ पर सबसे अधिक केस निकल गए हैं। ये केस निकलने के कारण ये है कि हमने पिछले कुछ दिनों से डोर स्टेप सैंपलिंग इस एरिया में शुरू कर रखी है। तो जो डोर स्टेप सैंपलिंग में कल 6 केस उदय मंदिर आसन के, 4 और 2 नागौरी गेट के निकल के आए थे, उनके ही अधिकतर कॉन्टैक्ट्स हैं परिवार वाले, वो आज पॉजिटिव। प्रदेश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी।